हेलो फ्रेंड्स, विनोद किचन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हर रोज की तरह आज फिर से आया हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है चिकन पास्ता की, या चिकन मैक्रोनी जो कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल और डिलीशियस होने वाली है। आप भी इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बाउल में मैक्रोनी या पास्ता, जो भी है ले लीजिए, जितना क्वांटिटी में चाहिए उतना ले लीजिए। इसके साथ में मैंने लिया है, देखिए, 200 ग्राम बोनलेस चिकन को स्टीम किया है। अगर आप स्टीम करना नहीं चाहते तो इसको एक सीटी आने तक कम पानी में पका लीजिए। और इसके साथ हमने लिया है हरी शिमला मिर्च और पीली, येलो और ग्रीन दोनों लिया है, और आप रेड को भी ले सकते हैं अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो आप सिर्फ ग्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में एक छोटे गाजर को हमने स्लाइस में काटा है। 3 से 4 हरी मिर्च ले लिया है, आप अपने स्पाइसी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने एक मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस में काट लिया है। अब पूरी तैयारी हो चुकी है। अब फ्रेंड्स आगे का प्रोसेस, एक कढ़ाई में हमने पानी ले लिया है, ये लगभग 1.5 लीटर पानी है, और इसको अच्छे से गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। इसमें डाला है हमने 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच नमक। ये दोनों चीज़ें डाल देंगे तो नमक से टेस्ट आएगा और तेल से इसमें चिपकेंगे नहीं। अब हम पानी उबलने के बाद इसमें डालेंगे पास्ता। पास्ता डालने के बाद एक बार इसको थोड़ा चला दीजिए जिससे कि ये बेस में चिपकेगा नहीं। ये मैदे से बना होता है तो गर्म पानी में डालने के बाद कढ़ाई के बेस में चिपकता है। और देखिए 6 से 7 मिनट हमने इसको पकाया है। 6 से 7 मिनट में अच्छे से उबल जाता है, और चेक कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब एक छन्नी के मदद से हम इसको एक बाउल या किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। ध्यान रहे छन्नी से निकालते समय पानी को अच्छे से निकलने दें, नहीं तो ये आपस में चिपकेंगे। तो देखिए बॉल में डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और लगा सकते हैं। फिर से हमने सेम कढ़ाई को ले लिया है और उसमें लिया हमने 2 से 3 चम्मच रिफाइंड तेल। आप चाहे तो बटर या घी में भी इसको बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तेल को गर्म होने देंगे, अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन गरम तेल में बहुत जल्दी जलता है तो हम फटाफट इसके साथ ही हरी मिर्च को भी डाल देंगे। हरी मिर्च के साथ ही हम, देखिए बहुत ज़्यादा तेल गरम है, और इसके साथ डाल देंगे हम प्याज को। ज़्यादा देर तक ना रखें नहीं तो लहसुन जल जाएगा। तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म था तो फटाफट मैंने इसमें प्याज को भी डाल दिया है, और प्याज को डालने के बाद इसको अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। अभी भी हमने गैस का फ्लेम हाई रखा है, लो फ्लेम करके आपने प्याज को नहीं डालना है, उससे तेल ठंडा हो जाता है और प्याज अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है। थोड़ी देर चलाने के बाद देखिए इसके सभी चीज़ अलग अलग होने लगे प्याज के। अब हम ज़्यादा ना पकाते हुए अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ गाजर। गाजर को आप कद्दूकस करके ले सकते हैं अगर आपको इस तरह काटने में मुश्किल होता है तो। कद्दूकस करने से भी काफ़ी अच्छा बन जाता है, बट मोटे साइड से करें, पतले से ना करें। अच्छे से मिक्स किया है, देखिए हल्का हल्का कलर चेंज हो चुका है गाजर का। थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही पकने देंगे हाई फ्लेम में, जिससे कि हल्का सा गाजर सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे ये इसमें हल्का हल्का कलर चेंज होने लगता है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च। कुटी हुई काली मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर दीजिए, बट इसमें कुटी हुई डालेंगे तो काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके साथ ही मिक्स करने के बाद डालेंगे हम इसमें शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च को डालने के बाद भी हमने सेम प्रोसेस करना है, थोड़ी देर हाई फ्लेम में इसको पकने देना है। बहुत ज़्यादा ना पकाएं, ज़्यादा पकी हुई शिमला मिर्च का टेस्ट अलग हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है। ये सभी प्रोसेस हमने हाई फ्लेम में किया है, लो फ्लेम में ना करें। तो फ्रेंड्स देखिए हम इसको ऐसे ही पकने के लिए साइड में रख देते हैं, तब तक हम थोड़ा चिकन को फ्राई कर लेते हैं। चिकन को फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन में तेल लिया है। तेल गर्म होने के बाद इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन के छोटे लच्छे बनाए हैं, आप चाहे तो इससे भी बारीक कर सकते हैं, और अच्छे से इसको टॉस करके पका लेंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा सॉस, 1/2 चम्मच सोया सॉस है। इसके साथ ही 1/2 चम्मच डालेंगे रेड चिल्ली सॉस, नहीं तो आप सिजवाइन सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, बहुत कम डालना है नमक, ध्यान रहे, और उतना ही हम काली मिर्च ले लेंगे, कुटी हुई काली मिर्च है, और इसको अच्छे से हाई फ्लेम में टॉस करते हुए पकाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमने इसको पहले ही स्टीम में पकाया है। और अच्छे से टॉस करके इसमें हल्का हल्का कलर लाना है और सॉस अच्छे से पक जाना चाहिए।
तो देखिए हमने इसको लगभग 4 मिनट तक पकाया है फ्रेंड्स। 4 मिनट पकाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम शिफ्ट कर देंगे। तब तक हमारी शिमला मिर्च की पक चुकी है, हमने सेकंड स्टॉप पे शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसको शिमला मिर्च में ऐड करते हैं। देखिए अच्छा कलर आया है, बहुत ही ईजी रेसिपी है, घर पर ज़रूर ट्राई करें। अब हम चिकन को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी हमने गैस का फ्लेम हाई रखा है, लो फ्लेम में इसका कोई भी प्रोसेस ना करें। अब फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार। ध्यान रहे मैक्रोनी उबालते समय भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है, इसलिए कम डालना है। और मैक्रोनी को ऐड कर देंगे इसमें। मैक्रोनी ऐड करने के बाद तुरंत ही हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। हमने सोया सॉस लिया है 1 छोटा चम्मच। अब हम इसमें लेंगे रेड चिल्ली सॉस। इसमें मैंने जितने भी चीज़ें ली हैं वो आपको आसानी से किसी भी जनरल स्टोर में आपके घर के नज़दीक में मिल जाएंगे। बहुत कम चीज़ें और बहुत कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। साथ में मैंने डाल दिया इसमें कुटी हुई काली मिर्च। आप चाहे तो इसमें हल्का सा हरा प्याज डाल सकते हैं अगर है तो, नहीं तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। हाई फ्लेम में इसको थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे, जिससे कि मैक्रोनी मसाला और सभी चीज़ जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से गर्म भी हो जाए। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है इसको। अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नूडल मसाला भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे मसाले इसमें नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल ही ईजी और आसान तरीके से चिकन पास्ता बनकर रेडी है। आप बहुत कम समय में इसको बना सकते हैं और आपको ये टोटल बनाने में 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट में आप इसको आराम से बना सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।